मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल की बड़ा समाहल गांव की पीड़ित वृद्धा राजदेव का कुशल क्षेम पूछने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा हमीरपुर पहुंच गए। देवास्ता के नाम पर कुछ लोगों द्वारा वृद्धा से की गई क्रूरता एवं जान से मारने के प्रयास की घटना के बाद राजदेव हमीरपुर में अपनी बेटी तृप्ता अब दामाद अजय ठाकुर के पास है। इस मामले में करीब 24 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल की बड़ा समाहल गांव की पीड़ित वृद्धा राजदेव का कुशल क्षेम पूछने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा हमीरपुर पहुंच गए। देवास्ता के नाम पर कुछ लोगों द्वारा वृद्धा से की गई क्रूरता एवं जान से मारने के प्रयास की घटना के बाद राजदेव हमीरपुर में अपनी बेटी तृप्ता व दामाद अजय ठाकुर के पास है। इस मामले में करीब 24 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने बुजुर्ग राजदेव व उनके दामाद एडवोकेट अजय ठाकुर से घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार एवं प्रशासन से पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा एवं न्याय मिलेगा। उन्होंने घटना पर दुख जताया और कहा कि शिक्षित एवं सभ्य समाज में ऐसी क्रूरता या अत्याचार का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। वृद्ध राजदेई ने विधायक राणा को बताया कि उसके घर को आग लगाने के प्रयास हुए। घर के अंदर रखी उसके सैनिक पति की निशानियां, मेडल व सैन्य कोट को लोगों ने भीड़ में जला दिया। राजदेई ने गुहार लगाई कि उसे न्याय मिलना चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में ऐसी घृणित घटनाएं होना बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट से संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करवा रहा है और सरकार भी दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो सके। जो मामला सरकाघाट में घटित हुआ है, एक 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के साथ, मुझे लगता है कि इससे घृणित मामला समाज में हो नहीं सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाई कोर्ट ने स्लो मोटो लेके इस मामले को खुद टिकअप किया है और हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है माननीय उच्च न्यायालय इसकी पूरी निगरानी में जो है सारी आगे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और पुलिस भी पूरी तरह हरकत में आई है और ऐसे लोगों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। एक बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का व्यवहार अगर हिमाचल प्रदेश जैसे ऐसे देवभूमि में हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक अनजस्टिस और घृणित मामला जो है वो समाज में सामने आया है और ऐसे लोगों के साथ जो है वो ऐसे लोगों के प्रति जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है सरकार को करनी चाहिए। न्यायालय भी मुझे लगता है कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त सजा जो है इनको दी जाए। मैं इनसे मिला हूं और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी स्टेबल हैं और यहां पर सरकार ने इनको सुरक्षा भी दी हुई है और क्योंकि ऐसे जब मामले घटित होते हैं तो आदमी को नुकसान कोई ना पहुँचा जाए इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। सर इसके जैसे भी ऐसे मामले जब सामने आ रहे हैं आते हैं हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कोई समाज में कोई अच्छी बातें नहीं है और ऐसे लोगों को समाज भी सख्त सजा दे और सरकार और न्यायालय को भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ऐसा काम करने की आदमी हिम्मत ना करे।